नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से सर्दी की शुरुआत हो गई, सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है दिल्ली एनसीआर में। सर्दी की दस्तक के बीच अब आप सब तैयार हो जाइए अपने फेफड़ों में धुआं भरने के लिए। जी हाँ, हर साल जिस तरह से पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में बढ़ता है, उसका असर उसकी दस्तक भी सर्दी के साथ दिखनी शुरू हो गई है। पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरह से स्मोक जो है दिल्ली एनसीआर के बादलों में छाया हुआ था। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और तमाम जो आसपास के जो जिले हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए थे इस प्रदूषण की वजह से, जिसके पीछे दो बड़े कारण हमेशा से बताए जाते रहे, पराली और दिवाली। दिवाली अभी आई नहीं है, लेकिन हाँ, पंजाब में पराली और आसपास के इलाकों में जलाने की घटनाएँ ज़रूर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यही दो वजह है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की? बाकी जो वजह है जिस पर काम करने की ज़रूरतें हैं तमाम सरकारों को, तमाम जिले, जिला प्रशासन को, क्या वहाँ इसके बाद काम किया जाता है? क्योंकि हर बार यही दावे किए जाते हैं कि अब जब सर्दी आएगी तो वो स्मोक की स्थिति, वो प्रदूषण की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन हर बार वही स्थिति बनती है। आज की अगर हम बात करें, जो AQI का स्तर है वो अब पुअर हो चुका है, यानी कि खराब स्थिति में पहुंच चुका है। जो अभी कुछ दिन पहले तक 50-60 के आसपास था दिल्ली NCR का, वो 200 से पार पहुंच गया। दिल्ली की बात करें तो AQI का स्तर 231 है, दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करें तो 231 और फरीदाबाद की बात करें तो 229 तक AQI का स्तर पहुंच गया है। यानी कि जो पुअर स्थिति में है, जो कि आपके फेफड़ों को, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि धीमी धीमी जो सांस के जरिए आप जो है एक मौत अपने अंदर ले रहे हैं, जो हम महसूस करते हैं बाहर निकलते हैं, गहरी सांस लेते हैं कि खुले माहौल में आप गहरी सांस ले रहे हैं और उससे आपके शरीर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब वो स्थिति फिर से बनने लगी है कि अगर आप बाहर सांस लेते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब इसके पीछे के कारण क्या है? हाँ, लगातार जैसी स्मोक बढ़ता है तो स्मोक को एंटी स्मोक गन, इसके अलावा पानी का छिड़काव और दूसरे तरह के जो पाबंदियां सरकारों के द्वारा वो लगाई जाती है। ग्रेप जो है 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है, जिसमें तमाम तरह की पाबंदियां वो लगाई गई हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी पॉल्यूशन का स्तर अब बढ़ना शुरू हो गया है। दरअसल जो रोड साइड डस्ट है, इसके बीच की पॉल्यूशन को बढ़ाने में इसका भी एक बड़ा योगदान है, जिस पर काम नहीं होता है। हम अधिकांश जगह पर देखते हैं जो डेवलपमेंट के काम है, विकास के काम होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर विकास के काम नहीं होंगे तो प्रगति कैसे होगी? लेकिन उन विकास के काम को करने में जिस तरह की लापरवाहियां बरती जाती है वो एक बड़ी वजह बनती है कि आपकी AQI के स्तर को ख़राब करने में। तो रोड साइड पर जो डस्ट रहती है, नाले अगर खोद दिए जाते हैं तो वहाँ मिट्टी पड़ी रहेगी, उसको किसी भी तरह से व्यवस्थित नहीं किया जाता और वही डस्ट आपकी हवा में घुलती है, और चूंकि सर्दियों में नमी होती है एयर के अंदर और उस नमी की वजह से ही ये दिक्कत आती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स इसके लिए बड़ी वजह है, आपकी गाड़ियों का धुआं इसके लिए बड़ी वजह है, खुले में कूड़ा जलाना भी इसके पीछे की बड़ी वजह है। इसी तरह की कई तरह की जो वजह हैं जिसमें खुद हम लोग भी अगर जिम्मेदार बने तो इस प्रदूषण को रोक सकते हैं।